भारत सरकार ने खाद्य तेल खरीदने वाली कंपनियों को 10 से 12 रुपीज पर लीटर दाम कम करने को कहा है। खाद्य तेल के आयात में ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और पाम ऑयल शामिल है। अगर कंपनियां 10 से 12 रुपीज पर लीटर दाम कम कर देती है तो इसका इफेक्ट एक वीक के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। भारत अपने खाद्य तेल की 60% डिमांड इंपोर्ट करके पूरी करता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस भारत पर मेजर इफेक्ट डालते हैं। इन सब के साथ सरकार खाद्य तेल की कीमतों को पूरे देश में सिमिलर रखना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी अगर स्टेट वाइज देखें तो 4 से 5 रुपीज पर लीटर प्राइस का फर्क है। मिनिस्ट्री ने खाद्य तेल बेचने वाली कंपनियों को फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने को भी कहा है, क्योंकि कुछ कंपनियां अलग अलग तापमान पर खाद्य तेल पैक कर रही है, जिसके कारण वेट वेरिएशन की दिक्कत आती है, बट कंज्यूमर को इसके बारे में नहीं बताया जाता।